हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर क्लास 11 हिस्ट्री। सो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हमने एनिशियंट, मॉडर्न और मेडिवल एज की डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक की बात करेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन जो था वो डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम बिगनिंग। सो पहले रिकॉल कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, कि हमने एक तो टाइप्स ऑफ हिस्ट्री पढ़े, कितने टाइप की हिस्ट्री है, जिसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। उसके अलावा यानी कि सोर्स हमने पढ़े ह्यूमन डेवलपमेंट के, यानी कौन से सोर्स थे जिसमें जो ह्यूमन के द्वारा जो टूल्स बनाए गए थे, स्टोन टूल्स के हमने डिस्कस की। इसके अलावा केव्स पेंटिंग के हमने बारे में बात की, और क्रिएटिविटी ऑफ गॉड की हमने बात की। इन सब से हमने निष्कर्ष निकाला ह्यूमन फॉसिल से, और मेन जो सोर्स था हमारा ह्यूमन फॉसिल का था, जिससे हमें पता चला, ह्यूमन फॉसिल से हमें पता चला और आज भी चल रहा है, मम्मी वगैरह या जो भी एनिशिएंट स्केल्टन हमें मिलता है उसकी कार्बन मेथड से, कार्बन मेथड जिसे C14 बोला जाता है, उस मेथड से उसकी एज और उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता लगाया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लें ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन जो था इसकी शुरुआत लगभग 56 लाख ईयर एगो हो चुकी थी, और जो उसका फिजिकल अपीयरेंस था वो चेंज होके लगभग 1,60,000 साल पहले जो प्रेजेंट ह्यूमन है वो सामने आया, और ह्यूमन परमानेंट सेटलमेंट, मानव जो था वो स्थायी रूप पर एक जगह निवास करना, खेती बाड़ी करना, जानवरों को पालना, ये लगभग 8,000 साल पहले सीख चुका था। उसके बाद हम इसकी स्टार्टिंग से बात करें कि किस प्रकार से ह्यूमन की जो स्टार्टिंग थी वो कैसे हुई, किस प्रकार से हमें उनके बारे में जानकारी मिली। सबसे पहले 1856 में जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई। जर्मनी में 1856 में एक ह्यूमन स्केल्टन मिला। इस ह्यूमन स्केल्टन को डॉक्टर जॉन कार्ल के पास भिजवाया गया, जिनको इसके ऊपर स्टडी करना था। उस स्केल्टन की खोपड़ी को देखकर डॉक्टर जॉन कार्ल ने कहा कि ये इंसानों से मिलती जरूर है, बट ये खोपड़ी इंसान की नहीं है। बाद में उसी स्केल्टन को डॉक्टर हरमन स्कॉप्सन के पास भेजा गया। डॉक्टर हरमन स्कॉप्सन ने उस पर स्टडी किया और निष्कर्ष निकाला, इस कंक्लूजन पे निकले कि ये मानव की ही खोपड़ी है, बट ये मतलब काफी साल पहले की है, जिससे उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो अलग दिखती थी। जब डॉक्टर हरमन स्कॉप्सन ने ये बात कही तो दुनिया भर के जो इतिहासकार थे, साइंटिस्ट थे, उसका इंटरेस्ट उसमें बनने लग गया कि किस प्रकार से मानव की खोपड़ी पहले अलग थी और आज की खोपड़ी जो है, स्केल्टन जो है वो अलग था। पहले इंसान आगे की तरफ झुका हुआ था, धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, ये निष्कर्ष उन्होंने बाद में निकाले। डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने इस स्केल्टन में इंटरेस्ट लिया और 24 नवंबर 1859 के दिन उन्होंने एक बुक लॉन्च की जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक थी जिसके अंदर उन्होंने मानव की प्रजातियों के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने मंकी और एप्स मीन वानर, एक चिंपांजी का रूप समझ लो या बंदर का रूप समझ लो या दोनों का रूप जो था, इन्होंने अपने बुक में लिखा कि पहले मानव इस रूप में था, धीरे धीरे इसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होने लग गया और ये आज का इंसान बना। ज्यादातर इसके अंदर जो संभावना थी वो वानर की थी, ज्यादातर संभावना इसमें वानर की थी, इन्होंने अपनी बुक में ये लिखा। लगभग 2000 पेज की ये बुक जो थी वो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा फेमस हुई थी। इस डेवलपमेंट की शुरुआत जो थी वो इस स्केल्टन से हुई, जिसकी जो 1856 में जर्मनी में मिला। धीरे 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 इस पे रिसर्च होते गए और अदर स्केल्टन भी मिलते गए। तो यहां से जो स्केल्टन मिलना था वो स्टार्ट हुआ, यहां से इस पे स्टडी होना स्टार्ट हुआ और मानव प्रजाति को अलग अलग समय के हिसाब से डिवाइड किया गया, जिसके बारे में हम अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो समय है
उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, उसके अलावा उसकी प्रजाति के तौर पर बात करेंगे। सो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की और साइंटिस्ट ने जो बुक लिखी उसके बेसिस पे इसको एक नाम दिया गया, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन जो है कैटेगरी है वो कौन सी है। ह्यूमन का एक सब ग्रुप रखा गया ए लार्ज ग्रुप में, यानी कि एक बड़े ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप, यानी कि जितने भी मैमल्स हैं जिनके अंदर वानर बंदर और इंसान आते हैं, यानी कि स्तनधारी जीव जिन जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी जीवों के बड़े ग्रुप में से बंदर वानर और इंसानों का एक छोटा ग्रुप, उनमें से इंसान निकलकर सामने आए जो वर्तमान के हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। शुरुआत जो थी वो प्राइमेट्स से थी, सबसे पहले जो इंसान थे। जब कार्बन डेटिंग मेथड से पता चला तो उसमें लगभग 56 लाख साल पहले, यानी कि यहां से लेकर यहां होमोनाइड प्रजाति से आगे आगे तो पता चलता है, उससे पहले की जो प्रजातियां थी उनके बारे में पता नहीं चल पाता। तो जो प्राइमेट्स थे जिनकी प्रजाति लगभग 360 से 240 लाख साल पहले मानी जाती है, इन्हें प्राइमेट्स कहा जाता था, जिनके बारे में बहुत कम पता चलता है। और इन मानवों की जो हड्डियां हैं, ह्यूमन फॉसिल जो है वो लगभग चेंज होके, यानी कि इतना टाइम होने के बाद वो ह्यूमन फॉसिल जो है वो चेंज एक स्टोन के रूप में हो जाते हैं, जिनसे उनकी पहचान पूरी नहीं हो पाती, यानी कि इनके हड्डियां जो है वो एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। होमोनाइड लगभग 240 से 60 साल पहले आए थे। तो इनकी कैटेगरी रखी गई, ये इस समय तक मानव जो था वो एक वानर रूप में था। होमोनिड जो था वो 60 से 56 लाख साल तक मानेगा, ये एकदम कंफर्म है। इससे पहले की ये जो तारीखें हैं ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट मानी जाती है। इनके बाद जो कार्बन डेटिंग मेथड है वो वर्क करता है, पता चल सकता है कि ये इतने साल पहले का स्केलेटन है। होमोनिड को दो पार्ट में माना गया, इसे रखा गया है ऑस्ट्रोफिथिक्स जो 60 से 56 लाख साल पहले का है, और दूसरा पार्ट इसे होमो के रूप में दिया गया। होमोनाइड और होमोनिड की में होमो निकालकर इसका नाम जो था वो होमो हैबिल्स, होमो इरेक्ट्स, होमो स्पीशियंस में रखा गया। सबसे पहले होमो कैटेगरी रखी गई, होमो कैटेगरी के अंदर तीन प्रजातियां बनाई गई उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन्हें रखा गया। और इनके जो टाइम थे, जैसे होमो जो था ये 60 से 56 साल पहले तक रखा गया, ये इसके इक्वली माना जाता है 56 लाख साल पहले तक, हम लोग इसको 56 लाख साल से बाद में रख लेते हैं। और ये 16 लाख साल पहले खत्म हो चुका है, यानी कि इस मानव की जो माना जाता है कि ये मानव की जो प्रजाति थी वो लगभग 16 लाख साल पहले खत्म हो चुकी है। इसकी सब कैटेगरी थी होमो हैबियल्स, होमो इरेक्ट्स और होमो स्पेशियंस, तीन में रखा गया। इसकी शुरुआत 22 से 20 लाख साल पहले, इसकी 8 लाख साल पहले और 1.9 यानी कि 1,90,000 से लेकर 1,60,000 साल पहले तक इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसकी जो कैटेगरी है वो टाइम के अकॉर्डिंग की गई है और साथ में इनकी प्रजाति के अकॉर्डिंग भी। प्रजाति के कहने का मतलब ये है कि प्रजाति ऐसे जो आज की संरचना है उसके अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा पहाड़ी पर रहने वालों की, लोगों की हाइट बिल्कुल कम होती है जबकि शरीर मजबूत, जबकि अफ्रीकन जो कंटिनेंट में रहने वाले लोग हैं इनकी हाइट ज्यादा होती है, शारीरिक रूप से वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये फिजिकल जगह पे रहने के साथ साथ उनके अंदर आने वाले चेंजेस भी है, उनकी बॉडी के अंदर आने वाले चेंजेस है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग गठीले शरीर के, मजबूत शरीर के, बट उनकी हाइट कम, और अफ्रीकन लोग जो है वो लंबे ऊंचे होते हैं। ये फिजिकल जो चेंजेस आया ये टाइम के अकॉर्डिंग आया, इन्हीं के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया है। हम लोग इसकी बात कर लें एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, ये जो एस्ट्रोफिजिक्स है ये लैटिन भाषा के वर्ड से लिया गया, इसे साउथ, एस्ट्रो का मतलब होता है साउथ और फिजिक्स का मतलब होता है अर्थ, यानी दक्षिणी वानर, दक्षिण का वानर, यानी साउथ जो पार्ट है
यानी कि ठंडे प्रदेश के वानर, उनके अंदर इसे रखा जाता है। इसकी प्रजाति मानी जाती है कि 16 लाख साल पहले खत्म हो चुकी है, बट कई बार आपने भी सुना होगा कि ध्रुवीय मानव जो है वो आज भी दिखाई देते हैं, कई बार वीडियो में आता है यूट्यूब वगैरह पर। सो ये इनकी प्रजातियां थी जिनको हम आगे स्टडी करेंगे डीपली, बट मेनली ये मेन जो पार्ट थे, आपने सिर्फ इनके टाइम पीरियड को याद रखना है और इनकी कैटेगरी को याद करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।